हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में जो बातचीत होता है, कन्वर्सेशन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे पूछा जाता है, बहुत सारे सेंटेंस को देखने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय का ज्यादा नहीं, चलते हैं बोर्ड में और एक एक सेंटेंस को देखते हैं। कल मिलते हैं, सी यू टुमोरो, सी यू टुमोरो। तो आप भी रिप्लाई में बोल सकते हो सी यू टुमोरो। नेक्स्ट, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप रिप्लाई में बोल सकते हैं वेलकम, वेलकम। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग, पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग। तो दोस्तों, आप सामने वाला से पूछ सकते हो क्या आपको पढ़ना पसंद है, डू यू लाइक टू रीड, डू यू लाइक टू रीड, या बोल सकते हो डू यू लाइक रीडिंग। जैसे क्या बोलेंगे, यस आई लाइक टू रीड। अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक टू रीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। अगर आपको कोई बोलता है कि हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नेक्स्ट, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, डू यू नो मी। तो रिप्लाई में आंसर दे सकते हैं यस आई नो यू। अगर मैं आपको नहीं जानता हूं, बोलेंगे नो आई डोंट नो यू। तो दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट, यस आई नो हिम, यस आई नो हिम। अगर यहाँ पे हिम के जगह पे आप हर भी बोल सकते हैं या तो नेम बोल सकते हैं, जैसे कि मैं राजेश को जानता हूँ, राजेश को जानता हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई नो राजेश, आई नो राजेश। नेक्स्ट, हिल स्टेशन क्यों, वाई इज ए हिल स्टेशन, वाई इज ए हिल स्टेशन। तो आप रिप्लाई में बोल सकते हैं बिकॉज हिल स्टेशन इज वेरी नाइस, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू विजिट हिल स्टेशन। तो दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चनिंग का जवाब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, राहुल को जानते हो, डू यू नो राहुल, तब बोलिए यस आई नो राहुल। आप नाम चेंज करके बोल सकते हैं, क्या आप मोहित को जानते हो, डू यू नो मोहित, तब बोलिए यस आई नो मोहित। अगर आप नहीं जानते हो तब बोलिए आई डोंट नो मोहित। मैं आपको नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू, I can't tell you। तो कोई बात जो आप नहीं बता सकते हैं तो बोल सकते हैं I can't tell you। बोल सकते हो कि आप क्यों नहीं बता सकते हो, Why can you not tell me? Why can you not tell me? तो दोस्तों, इस तरह से आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आप गा सकते हो, कैन यू सिंग, कैन यू सिंग। तो आप ऐसे बोलिए यस आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। अगर आप गा नहीं सकते हैं तो बोलिए नो आई कांट सिंग। नेक्स्ट, लेट्स गो इन द इवनिंग, शाम में चलते हैं। दोस्तों, जब आपस में दो दोस्त बात करते हैं तो बोलते हैं चलो शाम में चलते हैं, तो लेट्स गो इन द इवनिंग, लेट्स गो इन द इवनिंग। नेक्स्ट, क्या वो हमारे साथ आएगा, विल ही कम विथ अस। क्या वो हमारे साथ आएगा, विल ही कम विथ अस। यस ही विल कम विथ अस, वो हमारे साथ आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं आएंगे, ही विल नॉट कम विथ मी। Next, मैं उससे नहीं मिला, नो आई हैवंट मीट हिम, नो आई हैवंट मीट हिम। तब बोल सकते हैं कि आप उससे क्यों नहीं मिले, वाई डिड यू नॉट मीट हिम। तब बोल सकते हैं कि मेरे कुछ काम थे, आई हैड सम वर्क, दैट्स व्हाई आई डिडंट मीट हिम। तो दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप इस तरह का रिप्लाई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कहाँ है, वेयर इज योर फ्रेंड। तब बोल सकते हैं कि मेरी फ्रेंड घर में है, माई फ्रेंड इज एट होम, माई फ्रेंड इज एट होम। नेक्स्ट, व्हाट्स अप या व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका मतलब होता है क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आप बोल सकते हैं कि नाउअडेज आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अगर आप बोलेंगे आप क्यों नहीं जानते हो, व्हाई डू यू नॉट नो, व्हाई डू यू नॉट नो। आई वॉन्ट टू मीट हिम, जैसे बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो बोलेंगे कि आप कब मिलना चाहते हो, वैन डू यू वॉन्ट टू मीट हिम, वैन डू यू वॉन्ट टू मीट हिम। तो आप रिप्लाई में बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू मीट हिम टुमोरो, मैं उससे कल मिलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप इस तरह रिप्लाई में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आप कब जाओगे, वैन विल यू गो, वैन विल यू गो। तो आप रिप्लाई में बोल सकते हैं आई विल गो इन द मॉर्निंग टाइम, आई विल गो इन द आफ्टरनून टाइम। नेक्स्ट, क्या वो ठीक है, इज सी ओके, इज सी ओके। तो आप रिप्लाई में बोल सकते हैं यस सी इज ओके, सी इज फाइन, सी इज फैंटास्टिक। तो दोस्तों, आप इस तरह से रिप्लाई में भी बोल सकते हैं। अगर वो ठीक नहीं है तो बोलिए नो सी इज नॉट ओके, सी इज नॉट
ओके नेक्स्ट, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। अगर हम बोलेंगे आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, तो आप रिप्लाई बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल या नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं या कुछ खास नहीं। नेक्स्ट, कब देखा, व्हेन डिड यू सी हर, तो आप रिप्लाई बोल सकते हैं कि आई सॉ हर इन द मॉर्निंग टाइम, आई सॉ हर इन द आफ्टरनून टाइम। दोस्तों इस तरह का रिप्लाई आप दे सकते हैं, तो बोल सकते हैं बिकॉज इट्स पर्सनल, सो आई डोंट वांट टू शेयर माय मैटर बिकॉज इट्स अ पर्सनल। नेक्स्ट, मैं उसे कल देखा, आई सॉ यस्टरडे, आई सॉ यस्टरडे। आपने उसे क्यों देखे, व्हाई डिड यू सी। फेवरेट लेखक कौन है, हु इज योर फेवरेट ऑथर, तो आपका ऑथर जो फेवरेट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हु इज योर फेवरेट ऑथर। नेक्स्ट, वेयर विल यू गो, सो आप बोल सकते हैं आई विल गो टू दुमका, आई विल गो टू जामताड़ा। वेयर विल यू गो, सो आई विल गो टू दुमका, आई विल गो टू जामताड़ा। वेयर विल यू गो, आई विल गो टू दुमका एंड आई विल गो टू जामताड़ा। ओके, सो इस तरह का आप रिप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ लॉयर, आई वांट टू बिकम अ एडवोकेट। दोस्तों इस तरह का जवाब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे नहीं पता उससे पूछो। आई डोंट नो आस्क हिम, मुझे नहीं पता उससे पूछो। तो आप रिप्लाई बोल सकते हैं ओके आई विल आस्क टू हिम। तो आप इस तरह का रिप्लाई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा था, पूछने के लिए धन्यवाद, रियली गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। तब बोलिए ओके वेलकम, ठीक है मैं उससे पूछूंगा, ओके आई विल आस्क हिम, आई विल श्योर, यू विल आस्क हिम। नेक्स्ट, वो कब आएगा, व्हेन विल ही कम, तब बोलिए ही विल कम सून, वो जल्द आएंगे। तो दोस्तों आप इस तरह का रिप्लाई भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे लगता है हमें किसी हिल स्टेशन जाना चाहिए, आई थिंक वी शुड गो टू अ हिल स्टेशन। तब बोल सकते हैं यस ऑफ कोर्स, आई थिंक देन वी शुड गो टू अ हिल स्टेशन। तो आप रिप्लाई में इस तरह का आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप मुझे क्यों नहीं बता सकते, व्हाई कांट यू टेल मी, आप मुझे क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल मैटर। तो आप इस तरह का जवाब भी इंग्लिश में दे सकते हैं। नेक्स्ट, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, आपका दिन कैसा रहा, विल टेल मी हाउ वाज योर डे। तो आप इस तरह का आंसर भी बोल सकते हैं, उसे अभी बुला सकते हैं, कैन यू कॉल हिम नाउ, क्या आप उसे अभी बुला सकते हैं, कैन यू कॉल हिम नाउ। तो आप रिप्लाई बोल सकते हैं यस आई कॉल हिम नाउ। आप अगर उसे नहीं बुला सकते, बोले नो आई कांट कॉल हिम नाउ because I am busy here, so that's why I can't call him. Okay, sab kuch kaisa hai, how's everything, abhi everything is fine. Next, kya aap kahin ghumne jaoge, will you go somewhere for a trip, ta agar aapko ghumne jane ka man hai, yes I want to go somewhere place, theek hai. Next, le jayenge, yes we will take him along. Next, your friend has a beautiful eyes, ab boliye thank you so much and I will say to her also, then you were appreciating to my friend and I will definitely tell to him, then I will your friend has a beautiful eyes, so you will also reply to him, then yeah I will tell my friend definitely, then you are appreciating to her, I will definitely tell him. Next, kya aap Rahul ko apne saath le jayenge, will you take Rahul with you, agar aapko Rahul ke saath le jane ka koi irada hai, tab will you take Rahul with you, kya aap Rahul ko apne saath le jayenge, will you take Rahul with you, tab yes I will take Rahul with me, मैं राहुल को साथ ले जाऊंगा। अगर राहुल को साथ ले जाने का मूड नहीं है, तब बोलिए No, I can't take Rahul with me. लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं, I think we have met before. अगर आप मिले हो तो yes I have met before many times, but you are forgetting right now, but he is ready to come with us, अब बोलिए okay he will come tomorrow, he will come
tomorrow I'll be okay, I will wait for her, I will wait for her. अच्छा था, आप कैसे रहा? अच्छा था, और आपका कैसा रहा? Good, how was yours? तो बोले yes, actually everything is fine. Next, क्यों मिलना चाहते हो? Why you want to meet him? या बोल सकते हैं why do you want to meet him? Because I have a work, so that's why I want to meet him. तो आप इस तरह का reply भी दे सकते हैं. Next, हम 2 साल से दोस्त हैं. We have been friend for 2 years. I बोले oh my god, really? For 2 years? Oh my god. Next, ने क्या कहा? What did he say? तो आप बोलिए कि मैं नहीं बताना चाहता हूं आपको. I don't want to tell you because he said to something. उसने मुझे कुछ कहा है लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं. मैं IPS बनना चाहता हूं. I want to become an IPS. आप बोलिए okay, very good. You should be IPS. आपको IPS बनना चाहिए. क्या आप उसे मिलना चाहते हो? Do you want to meet him? तो बोलिए yes, I want to meet him and also he wants to meet him. Also, he wants to meet me. कुछ काम है. I have some work with him. I will. Oh, really? What is your work to her? आपका उससे क्या काम है? What is your work to her? Next. नहीं पूछा. Because I don't ask her. Why don't you ask to her? अब उससे क्यों नहीं पूछे? अब बोले. Actually, I forget. मैं भूल गया. I forgot. Next. उसका नाम क्या है? What's her name? तब yes, her name is Priya. Her name is Preeti. Next. My favorite author is Chetan Bhagat. And you will tell me what is your favorite author? तो आप इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. Who is your favorite author? तब बोल सकते हैं my favorite author is. What is your hobby? तो आप बोल सकते हैं my hobbies are playing cricket, my hobbies are learning English, my hobbies are speaking English. Okay, you can see like this. Next. थोड़ा बहुत, a little bit. Next. I want to go to zoo and I want to visit a zoo. So that's why I want to take a holiday for tomorrow because I want to go to zoo. तो दोस्तों इस तरह से आप जवाब भी दे सकते हैं. मुझे इस बारे में नहीं पता. I don't know about this. Okay? आपकी आवाज बहुत अच्छी है. Your voice is very good. Then you can also say thank you so much for appreciating me. Then you are appreciating me. Then my voice is good. So thank you very much. Okay? तो आप इस तरह का reply भी दे सकते हैं. Next. What language do you want to learn? आप comment box में लिख के बताइए. Next. वो घर पर है. He's at home. वो घर पर है. She is at home. Next. क्या आप पूजा से मिले हैं? Have you met Pooja? Yes, I have met Pooja. Next. तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं और आपके लिए दोस्तों हम 260+ वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैनल में जाके, तो सभी वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.